शांत रहिए, झूठे आवेश की आंधी में मत बहिए। कितनी ही बार असुरों ने स्वर्ग पर विजयश्री का डंका बजाया है, परंतु समुद्र से उठे क्षणिक ज्वार की भांति उसे क्या मिला? वही स्वर्ग से पतन और पाताल की शरण। हे महत्वाकांक्षी पुत्र, विवेक की तुला पर अपनी बुद्धि को रखकर तोलो। भाग्य की रची रेखाओं को आज तक कोई नहीं मिटा पाया है। क्षमा करे पिताश्री, भाग्य रेखा का रोना पीटना मूर्ख को स्वीकार नहीं, कदापि स्वीकार नहीं। भाग्य रेखा यदि पर्वतों से रची गई है तो हम उसे भी मिटा देंगे। पुत्र, तुम्हारे समान युवा काल में हमारी अभिलाषाएं भी ओजपूर्ण थी, किंतु हमारी समस्त महत्वाकांक्षाएं भाग्य की कठोर चट्टानों के साथ टकरा टकरा कर चूर चूर हो गईं। विवश होकर हमें मानना ही पड़ा कि विधि के रचनाकार विधाता का अमिट लेख टाला नहीं जा सकता, अन्यथा राजा बलि, विरोचन, विश्वपर्वा आदि जैसे वीर असुर क्या पाताल का जीवन स्वीकार करते? प्रलाप बंद कीजिए पिताश्री, ऐसे विधान को स्वीकार करने वाले को मैं धिक्कारता हूं। आपका ही इतिहास साक्षी है कि हर संकल्पवान पुरुष अपने संकल्प से अपना नया इतिहास रचता है। गादी पुत्र विश्वामित्र ने विधाता के विधान को ठुकरा कर एक नई सृष्टि रच डाली थी। क्या आपको यह ज्ञात नहीं? मैं भी अपने संकल्प से अपना अभिलेख स्वयं लिखूंगा। यदि भाग्य के कठोर नियंता ब्रह्मा जी है तो उन्हें भी उनके कठोर अंगों को मिटाने के लिए विवश कर दूंगा, विवश। बोलिए, कहाँ है ब्रह्मा? अब मैं आपसे नहीं, उन्हीं से संवाद करूंगा, केवल उन्हीं से। अपना बाल हट त्यागो पुत्र, ब्रह्मा जी तो सुदूर आकाश में सप्तऋषि मंडल तथा ध्रुव लोक से परे ब्रह्मलोक में वास करते हैं। बिना तप से तपे उस अनंत लोक में कोई भी नहीं जा सकता। असंभव को संभव करने के लिए ही मूर दैत्य ने जन्म लिया है पिताश्री। तपस्या मेरे लिए एक क्षीण क्रिया मात्र है। यदि आप दानव संस्कृति के सच्चे संरक्षक कहलाना चाहते हैं तो मुझे शीघ्र स्वतंत्र कर दीजिए, अन्यथा ब्रह्मलोक जाने के लिए मैं सारे असुर समाज को छिन्न भिन्न कर दूंगा, त्राही त्राही मचा दूंगा। हे देवेंद्र, वेद गर्भ ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, वे अपने आप में सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। उन्हें समझाना या कोई परामर्श देना मेरे लिए तो संभव नहीं है। इस विषय में कोई उपयुक्त मार्ग भगवान विष्णु ही निकाल सकते हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि के संरक्षण और पालन पोषण का दायित्व उन्हीं पर है। तो ठीक है आचार्य वर, आप शीघ्र ही वैकुंठ लोक पधारें और भगवान विष्णु को स्थिति से अवगत कराएं, ताकि आने वाले संकट का शीघ्र समाधान हो सके। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजस्वलाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम महावः जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यम विधेयम् गामश्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनादम् प्रमोदिनीं श्रियं देवी मूप हवे शिर्मा देवी जुषताम् काम सुश्रिताम् हिरण्य। हे नारायणी शक्ति, हे जगत जननी, हे माता लक्ष्मी, रक्षा करें, रक्षा करें। प्रणाम माते। शुभम भवत मंगलम। वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है देवगुरु, लेकिन आज आप इतने भयभीत से क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई संकट की बात तो नहीं है ना देवगुरु? भीषण संकट सामने है माते।
तभी तो मैं यहाँ बैकुंठ में भगवान विष्णु और आपकी शरण में चला आया हूँ। कृपया शीघ्र ही भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाइए माते, यदि तनिक भी विलंब हो गया तो सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? कैसा सर्वनाश देवगुरु? ऐसा क्या हो गया, आप कृपया स्पष्ट कहें। हे माते, दीर्घ काल से सृष्टि में सर्वत्र शांति की तरंगे बह रही थी, मैं भी उमंग भरी भक्ति के रंग में रंगा ब्रह्मानंद का सुख भोग रहा था। इतने में मैंने देखा कि महापापी मूर दैत्य ने तपस्या करके त्रिलोकी के सर्वनाश का आधार बिंदु बना दिया है। उस आधार बिंदु के बाद क्या घटित हुआ वो भी तो कहो देवगुरु। हे माते, असुरों की कुल देवी असुरेश्वरी ने दुष्ट दानव मूर के लिए ब्रह्मलोक के द्वार खोल दिए हैं। आचार्य श्रेष्ठ, वो दैत्य ब्रह्मलोक की ओर गया है और आप ब्रह्मा जी को जगाने की जगह भगवान नारायण को जगाने यहाँ वैकुंठ लोक चले आए। हे वीरवर, तुम सत्य कह रहे हो, तुम देव और दानव दोनों कश्यप प्रजापति की ही संतान हो, परंतु तुम दोनों की माताएं दिति और अदिति अलग अलग हैं। यही तुम्हारे और देवताओं के विपरीत भाग्य का कारण है। क्षमा करे ब्रह्मा जी, हमारी माता हमारे पिता की अर्धांगिनी है। अग्नि को साक्षी मानकर वह उनकी धर्म पत्नी बनी थी। यदि आप माता को मान्यता न दें, तब भी पुत्र तो सदैव पिता के गोत्र को ही धारण करता है और उस गोत्र के कारण हमारा स्वर्ग पे सम्मान अधिकार होना ही चाहिए, और वो अधिकार आपको हम दैत्यों के भाग्य में इसी पल लिखना होगा। चलिए ये वेद रचना त्यागिए और हमारे नाम स्वर्ग का अधिकार और देवताओं के नाम पाताल का कठोर जीवन तुरंत लिखिए, इसी क्षण लिखिए। नमस्तुते 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 नमस्तुते।